किसी राज्य में सरकार हो तो यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह, जो बिना देरी किए फैसला ले डालते हैं। तभी तो योगी बाबा का नाम आज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिया जाता है, और कहा जाता है कि काश हमारे राज्य में भी योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होता तो फिर कहने ही क्या थे। दरअसल ये लोकप्रियता फ्री दारू फ्री बिजली की वजह से नहीं बल्कि अपने कामों की वजह से योगी आदित्यनाथ को मिली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तभी तो दूसरे राज्यों में नेता जनता को फ्री बिजली देने का वायदा करते हैं, और यूपी में योगी बाबा कहते हैं बिजली भी दूंगा और पैसे पूरे लूंगा, उसके बाद भी जनता उन्हें ज्यादा पसंद करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले लेते हैं उसके दीवानी आज पूरी दुनिया है। आपने यूपी के आगरा की वो खबर देखी होगी जिसमें 3 पुलिस वाले एक गैंगस्टर को लेकर कोर्ट जा रहे थे, और कोर्ट के अंदर से ही वो बदमाश पुलिस वालों पर ईंट पत्थर मारकर फरार हो जाते हैं। ये सब जानते हुए भी कि वो किस राज्य में है और वहाँ ऐसा करने पर क्या होता है, सरकार पर सवाल उठने लगी। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के अंदर ही फैसला ले लिया। अब उस गैंगस्टर के घर पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। फिरोजाबाद के गैंगस्टर विनय सोत्रे के साथियों पर फिरोजाबाद पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपराध की दुनिया में विनय का साथ देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। इनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि एक बदमाश का मकान देहात इलाके में बना है। पुलिस ऑफिसरों का कहना है कि इस पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी, इससे अपराधियों की कमर भी तोड़ी जा सकेगी। 4 दिन पहले विनय श्रोत्री आगरा पुलिस के चिन्हित से फरार हुआ था, जो लाइन पार थाना क्षेत्र के गांव रोपसपुर का रहने वाला है। उस पर करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही वो लाइन पार थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद वो आगरा और फिरोजाबाद पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। विनय की गिरफ्तारी को देर रात आगरा पुलिस फिरोजाबाद पहुंचती है। यहां पर एसपी देहात डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के साथ बैठक की जाती है। विनय के साथियों पर शिकंजा कसने के लिए एक योजना तैयार की गई है। सूत्रों की माने तो विनय के 3 साथियों के नाम प्रकाश में आए हैं। इन पर पुलिस अब शिकंजा कसने के साथ उनके मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की तैयारी में लगी है। तो ये होती है सरकार, जो अपराधियों पर ऐसे लगाम लगाती है कि अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचेगा। टीम पीटीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीटीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।